टेन सीरीज के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल का अफर्मेटिव। तो इसमें पहचान, संरचना, नियम, उदाहरण सब देखेंगे। तो पहचान में तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या आया होगा, गया होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा आदि। मतलब भविष्य में जो काम हम कर चुके होंगे तो उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पहचान। पहचान के बाद देखते हैं संरचना। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, शैल विल के बाद हैव, फिर क्रिया का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको शैल विल का नियम जानना पड़ेगा। शैल विल का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रथम पुरुषकर्ता आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और द्वितीय पुरुषकर्ता व अन्य पुरुषकर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में हम सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण में हम लोग सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण ये पहले से मैं बना लिया हूँ ताकि समय कम लगे। अब यहाँ पे देखते हैं उदाहरण। वह सोमवार तक काम पूरा कर चुकी होगी। तो यहाँ पे ये क्या हमारा सब्जेक्ट कर्ता सी। तो सी विल हैव कम्प्लीटेड द वर्क बाय मंडे। तुम कल अपना काम शुरू कर चुके होगे। तो यहाँ पे कर्ता तुम, तो यू विल हैव स्टार्टेड, शुरू करना क्रिया है तो उसका थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, योर वर्क अपना काम टुमारो कल। तो यू विल हैव स्टार्टेड योर वर्क टुमारो, तुम कल अपना काम शुरू कर चुके होगे। आगे देखते हैं। वह एक नई कुर्सी बना चुका होगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे बनाना। तो ही विल हैव, यहाँ पे मेक माने बनाना, तो उसका थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड। ही विल हैव मेड, वह बना चुका होगा। क्या बना चुका होगा, एक नई कुर्सी, अ न्यू चेयर। वे अपना घर सजा चुके होंगे। तो यहाँ पे कर्ता दे, विल हैव, अब यहाँ पे क्रिया क्या है, सजाना, तो उसका थर्ड फॉर्म डेकोरेट का, डेकोरेटेड। दे विल हैव डेकोरेटेड अपना घर, तो देयर होम, वे अपना घर सजा चुके होंगे। नेहा खाना पका चुकी होगी। तो यहाँ पे नेहा करता है, पकाना क्रिया है, तो नेहा विल हैव कुक्ड फूड, नेहा खाना पका चुकी होगी। हम 5 बजे तक घर वापस आ चुके होंगे। वी विल हैव कम बैक होम बाय 5 o'clock। तुम पाठ भूल चुके होगे, भूलना, फॉरगेट, उसका थर्ड फॉर्म फॉरगेटन, तो यू विल हैव फॉरगेटन द लेसन, तुम पाठ भूल चुके होगे। तुम तब तक सभी समस्याओं को हल कर चुके होगे। तो यहाँ पे कर्ता तुम, तो यू विल हैव सॉल्व, हल करना क्रिया है।